हरे कृष्णा, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे अंतिम राशि मीन राशि के बारे में कि जो मीन राशि के जातक है उनके लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, किस फील्ड में आज आपको सफलता मिलेगी, माली हालत कैसी रहेगी, रुका हुआ धन मिलेगा या धन अचानक आकाशवृत्ति के द्वारा मिलेगा, एकेडमिक स्थिति क्या रहेगी, विदेश यात्रा का क्या योग है, माता पिता से कैसे संबंध रहेंगे, मित्रों की सहयोग रहेगा या असहयोग रहेगा ये भी बताएंगे, और आज आपको क्या सावधानी बरतनी, क्या उपाय करना है, सारी बातें बताने वाले हैं। सरकारी नौकरी मिलेगी या प्राइवेट के क्षेत्र में काम करेंगे, जिनके साथ आप काम करेंगे उनके साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे, महिला मित्रों की संख्या कैसी रहेगी, महिला मित्रों का सहयोग रहेगा या असहयोग रहेगा, या किसी स्ट्रेंजर से लाभ मिलेगा, सारी बात आज हम आपको बताने वाले। इसके साथ साथ हमें भी बताएंगे कि आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, उपाय क्या करना है, और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, सारी बात आज हम आपको बताने वाले हैं। अब आइए हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन के। तो जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए आज का दिन चतुर्दिक रूप से काफी अच्छा है। आपका आत्मबल बढ़ेगा, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जो भी आप महत्वाकांक्षाएं रखेंगे, जो इमेजिनेशन को आज आप रियलिटी में बदल सकते हैं। माली हालत आपकी अच्छी होगी, धन के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, व्यापार से धन लाभ मिलने का योग बन रहा है, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है, पुस्तक लिख सकते हैं, किताबें लिख सकते हैं, कहानी लिख सकते हैं, कॉलेज वगैरह खोल सकते हैं, उसके लिए आपका समय बहुत बढ़िया है। यदि शिक्षा के फील्ड में अगर व्यापार करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि नया भी कोई काम करते हैं, यदि अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करते हैं, पूजा के क्षेत्र में कार्य करते हैं, मंदिर बनाने के क्षेत्र में कार्य करते हैं, तो उसमें आज आपको आशातीत सफलता मिलेगी, जो आपकी बहुत दिनों से चिर प्रतीक्षित योजनाएं हैं सब सफल होते हुए दिख रहा है। रोग और शत्रु परास्त होंगे, माता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, पत्नी से लेकर के थोड़ा सा किसी न किसी बात को लेकर के मनमुटाव की स्थिति हो सकती है, अपने ऊपर धैर्य रखने की जरूरत है, गुस्सा पर कंट्रोल करने की जरूरत है। आज अपने पत्नी के प्रति थोड़ा कंसर्न रखें और जो स्थितियां उसको ध्यान रखने की जरूरत है, बच्चों के प्रति थोड़ा फोकस रहें। यदि आप पुस्तक लिखना चाहते हैं, कहानी लिखना चाहते हैं, उसके लिए आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा है। रुका हुआ धन मिलेगा, प्रॉपर्टी में अगर कोई भी पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप खेती उती के लिए जमीन खरीदना चाहते हैं तो विवादित जमीन खरीदने से बचने की आवश्यकता है। संतान सुख मिलेगा, माता का सुख मिलेगा, दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रोग और शत्रु परास्त होंगे, इनकम का जरिया बढ़ेगा, आय के विभिन्न प्रकार के स्रोत होने से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा, समुद्र के किनारे आपका व्यापार बढ़ सकता है, विदेश यात्रा का भी योग बन रहा है। यदि आप शिक्षा के क्षेत्र में विदेश में करियर बनाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, जैसे टेक्निकल इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, MBA में, लॉ में अगर आप विदेश पढ़ना जाना चाहते हैं तो वो समय आज आपके लिए बहुत बढ़िया है। आज आपको सावधानी क्या बरतनी है, सावधानी ये बरतनी है कि गुस्से पर नियंत्रण रखना है और अति शीघ्रता में कोई कार्य नहीं करना, बहुत सोच समझ के किसी निर्णय को लेना आपके लिए हितकर होगा। आज आपको उपाय क्या करना है, सिद्धि कुंज का स्रोत देवी कवच और तंत्रोक्त देवी सूक्तम, सिद्धि कुंज का अर्गला देवी सूक्तम, इस पाठ को करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए शुभ अंक है 9 और शुभ रंग है पीला। हरे कृष्ण।